खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां जोगासलाई रेलवे फाटक के पास रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर उक्त स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। जहां अतिक्रमण मुक्त स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से भूमि आवंटन को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर 2 वर्ष पूर्व उक्त स्थान से 70 वर्ष से बसे हुए लगभग 300 फुटपाथ दुकानों को हटाया गया था। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा उक्त स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी को भूमि आवंटन कराया गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्रीय झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के अब्बास अंसारी ने कहा कि उक्त स्थान पर स्थानीय दुकानदारों ने जिला प्रशासन का पूरा साथ दिया था, जहां यह आश्वासन दिया गया था कि दुकानदारों को ओवरब्रिज के निर्माण के बाद बसाया जाएगा, परंतु आज ठीक उसके विपरीत गेल इंडिया लिमिटेड को यह भूमि आवंटन कर सरकार द्वारा धोखा देने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द केंद्रीय झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सरकार से मुलाकात कर इस आवंटन को रद्द कराने की मांग की जाएगी और स्थानीय दुकानदारों को शहरी स्वरोजगार योजना के तहत बसाए जाने की मांग की जाएगी। आज इस उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से और यहां के दुकानदार संघ की ओर से ये संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ओवरब्रिज यहां 2018 में निर्माण का काम शुरू हुआ जयपुर में झारखंड सरकार की ओर से, है ना। उस क्रम में यहाँ सैकड़ों गरीब दुकानदारों को उजाड़ा गया जो इस ज़मीन में 70 वर्षों से बसे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के दुकानदारों ने उस जनहित को देखते हुए ओवरब्रिज का निर्माण काम का स्वागत किया और समर्थन किया। साथ ही उस समय वहाँ उस समय के सरकार और जिला प्रशासन से मांग किया कि पुल निर्माण के बाद जो भी शेष ज़मीन जो बसती है उस गरीब जनता को बसाया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि पुल बनने के बाद जो बाकी ज़मीन है वह गरीब को उजाड़ा जो दिया है उसको बसाया जाएगा, परंतु कुछ ही दिन के बाद हम लोग को ये सामने नज़र आया कि जो ज़मीन जो बची हुई है उस ज़मीन को भूखंड को एक पूंजीपति को गैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गैस फिलिंग स्टेशन के नाम में आवंटित कर दिया गया है और निर्माण का काम भी जारी है। इस निर्माण को कार्य को देख के स्थानीय यहाँ दुकानदार है जो 70 वर्षों से बसे हुए थे उसको देख करके काफ़ी आक्रोशित है कि मेरे रहते हुए हमको जो उजाड़ा गया उसका उद्देश्य था कि ओवरब्रिज निर्माण पुल बनेगा जिसको लेकर के हम लोग समर्थन किए, लेकिन परंतु ये हम लोग के साथ धोखा है और हम लोगों के साथ अन्याय किया है। इसी को लेकर के हम लोगों ने बहुत ही जल्द झारखंड की वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री, विधायक और स्थानीय जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो ज़मीन आवंटित किया गया है गेल कंपनी को अवैध रूप से, उस ज़मीन को आवंटन को रद्द किया जाए और जो यहाँ पूर्व में जो दुकानदार जो बसे हुए थे 70 वर्षों से उसको शहरी स्वरोजगार योजना के तहत उसको बसाया जाए और ओवरब्रिज पुल का निर्माण का काम जो धीमी गति से चल रही है उसको तेज गति से निर्माण काम कितने ऐसे दुकान से कुछ है लगभग, लेकिन उसके अंतर्गत 1000 प्रभावित परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपका नाम? अब्बास अंसारी।